इस बार मोदी को छोड़ केजरीवाल पर खूब बरसे ओवैसी। केजरीवाल के सुंदरकांड पाठ से ओवैसी आग बबूला हो गए। आरएसएस का नाम लेकर केजरीवाल पर ओवैसी ने जबरदस्त तंज कसे। मुगलों की बनाई मस्जिद तोड़कर बने राम मंदिर से ओवैसी इतने क्यों चिढ़े। जनवरी को ये पूरा देश, ये पूरी दुनिया उस एक अद्भुत पल की साक्षी बनेगी जिसका इंतजार सैकड़ों वर्षों से किया गया है, जिसके लिए प्राणों की आहुतियां दी गई हैं, जिसके लिए हजारों आंदोलन लड़े गए हैं, लोगों ने लाठियां खाई हैं, जुल्म झेले हैं, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है कार सेवकों ने बस इस एक शुभ घड़ी के लिए। तभी तो देखिए ना, उस पल को अपनी आंखों से देखने के लिए अब समय काफी कम बचा है और उससे पहले पूरा देश राममय हुआ जा रहा है। हर तरफ जैसे राम नाम की गूंज ही सुनाई दे रही है। बीजेपी तो पूरे जोर शोर से इस उत्सव को मना रही है, लेकिन हाँ, विपक्षी दल जरा इस कार्यक्रम से परेशान है। उन्हें लग रहा है कि कहीं न कहीं मेगा इवेंट 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का इवेंट न साबित हो जाए। खैर, इन सबसे अलग इस खास अवसर पर केजरीवाल का एक नया रूप सामने आया है, राम भक्त रूप। तभी तो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने दिल्ली के 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड पाठ आयोजित करने का फैसला लिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का ये फैसला जैसे ओवैसी के गले नहीं उतर रहा है और इस बात के लिए AIMIM प्रमुख ओवैसी ने केजरीवाल पर जबरदस्त कटाक्ष कर दिया है। ओवैसी ने केजरीवाल के इस फैसले को 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से प्रेरित बता दिया है। ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए इस फैसले को लेकर गुस्सा जाहिर किया है। कहा है, आरएसएस के छोटे रिचार्ज ने फैसला लिया है कि दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। ये फैसला 22 जनवरी के उद्घाटन की वजह से ही लिया गया है। आगे ओवैसी ने अपने लंबे चौड़े ट्वीट में ये भी लिखा, आपको याद दिला दूं कि ये लोग ने बिल्किस बानो के मसले पर चुप्पी बनाई रखी थी और कहा था कि वो सिर्फ शिक्षा और सेहत जैसे मसलों पर बात करना चाहते हैं। क्या सुंदरकांड पाठ शिक्षा है या सेहत? असल बात तो यही है कि इन्हें इंसाफ से परहेज है, संघ के एजेंडे का पूरा साथ दे रहे हैं। हम बाबरी की बात भी ना करें, आप न्याय मोहब्बत फलाना का बाजा बजाते रहो और साथ में हिंदुत्व को मजबूत करते रहो। वाह, जब ये मैंने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ये तय की है कि हर ट्यूसडे को वो सुरेंद्र कांत किताब पढ़वाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे, तो उस पर मैंने ये किया है कि भाई आप लोग बीजेपी से क्या डिफरेंट है, आप में बीजेपी आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। आप इनका हिपोक्रेसी देखिए कि कोई कह रहा है कि मैं सरयू नदी में चले आऊंगा, कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति को नासिक आया जाए, कोई कह रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा शिक्षा सेंटर में और जहां पर अस्पताल में पढ़ाया जाएगा। तो आप तो नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं आप वही करना चाह रहे हैं, तो आप में बीजेपी आरएसएस में क्या फर्क रहा है? वहीं ओवैसी के ट्वीट पर सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाओं की मानो बाढ़ सी आ गई। निशांत नाम के यूजर ने लिखा, ओवैसी जी, छोटा और बौखलाया रिचार्ज तो आप हो जिसे अभी तेलंगाना की जनता ने चुनावों में आईना दिखाया और आपकी वोट बैंक राजनीति को रिजेक्ट किया। नए भारत में सबका साथ सबका विकास हो रहा है और वोट बैंक की राजनीति करने वालों का धीरे धीरे खात्मा। आपका पाखंड देश देख रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के बिल्किस बानो के निर्णय पर चिल्लाते हो और राम मंदिर के निर्णय पर बौखलाते हो। देश का मुसलमान भाई भी सब समझ रहा है। सत्या नाम के यूजर ने लिखा, हर शुक्रवार ISIS के बड़े रिचार्ज सड़कों, रेलवे ट्रैक, मॉल्स को घेर कर वहां नमाज पढ़ते हैं, जबकि खुले में नमाज पढ़ना सऊदी अरब ने बैन कर रखा है, मगर यहां से बड़े रिचार्ज जानबूझकर शो ऑफ करने के लिए करेंगे। आपको याद दिला दूं कि ये लोग पालघर, नू हिंसा, दिल्ली दंगे, बंगाल में साधुओं की लिंचिंग, कन्हैया कुमार की हत्या पर चुप्पी बनाए रखकर जिहादियों को खुलकर नहीं तो छिपकर समर्थन दिया। बिल्किस बानो की बात करने वाले ये लोग शाह बानो के समय क्या सुनकर सो रहे थे और उनका खुद का भाई अकबरुद्दीन भड़काऊ भाषण देता है तो जनाब उस पर अपना मुंह सिल लेते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहो, इन्हें ज्यादा सीरियसली मत लो। अपने धर्म अपनी संस्कृति पर गौरव करो और एक समुदाय के तौर पर और मजबूत होते रहो। जय हिंद, जय श्री राम।
डॉक्टर पुष्यंती शुक्ला नाम की यूजर ने लिखा, इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिकल गेन्स टुडे. राम मंदिर इज ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर बाय डिमोलिशिंग ऑल कास्ट क्रीड नैरेटिव्स एस्टैब्लिश्ड बाय सेक्युलर्स इन दिस कंट्री. अरविंद केजरीवाल नोज हाउ टू गो विद द फ्लो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो कुछ इस तरह से, एक तरह से सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से जिस तरह से केजरीवाल के एक कदम पर ओबैसी बौखलाए हैं, उस पर उल्टा ओबैसी को ही खूब सुनाया जा रहा है. वैसे आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, सबकी सुख शांति और तरक्की के लिए कल आम आदमी पार्टी दिल्ली में कई जगह सुंदरकांड का पाठ करवा रही है. मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ 3 बजे रोहिणी के मंदिर में सभी भक्तजनों के साथ सुंदरकांड का पाठ करूंगा. आप सभी अपनी सुविधा अनुसार अपने घर के पास होने वाले पाठ में आमंत्रित हैं. वहीं ऐलान तो दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी कर दिया है कि अगले हफ्ते से हर मंगलवार को शहर के सभी विधानसभा क्षेत्रों और नगर निगम वार्ड समेत 2600 जगहों पर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ किए जाएंगे. कल यानी कि 16 जनवरी को मंगलवार है, दिल्ली की सभी विधानसभाओं के अंदर आम आदमी पार्टी का संगठन, वहां के विधायक पार्षद साथी और संगठन के पदाधिकारियों के साथ भव्य सुंदरकांड के कार्यक्रम का आयोजन करेंगे. मैं आप लोगों के माध्यम से दिल्ली के लोगों को, उनके परिवार वालों को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे भी बढ़ चढ़ के इस सुंदर भव्य सुंदरकांड के कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लें. बस अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के इस तरह के ऐलान से ही असदुद्दीन ओवैसी बौखला गए हैं और केजरीवाल को आरएसएस का छोटा रिचार्ज बोलकर भड़ास निकाल रहे हैं. वैसे आप केजरीवाल के सुंदरकांड के फैसले पर ओवैसी की आई प्रतिक्रिया पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं. ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववायुनानि विद्वान् यो यो जस्मज्जोहराणमेनो भूयिष्ठान्ते नाम उक्तिं विधेम. सर्वेश सकल सुखदाता सुत स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है. सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए, मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए, प्रेम सिंधु हमको दीजिए. सकल जगत के उत्पत्ति करता समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्वेशन और दुखों को कष्टों को दूर कर दीजिए, और जो कल्याणकारक गुण कर्म पदार्थ और स्वभाव हैं वह सब इन्हें प्राप्त कराइए. इदेश्वरिस्तुते प्रार्थनोपासना मंत्रा.